बरेली का एक शादी हाल है जिसमें कांग्रेस की जानिब से रोजा अफ्तार प्रोग्राम शुरू होने वाला है। चंद लम्हों के बाद अजान होगी, उसके बाद ये पार्टी शुरू हो जाएगी। इससे पहले कांग्रेस की एक बैठक हुई है, संगठन की बैठक थी, कुछ कार्यभार सौंपे गए हैं कार्यकर्ताओं को। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिसाब से एक रणनीति बनी है, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। प्रेम प्रकाश अग्रवाल जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष चौधरी असलम मियां ने बहुत बढ़िया प्लानिंग बनाई है कांग्रेस को जोड़ने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए, और बैठक के माध्यम से एक संदेश दिया है कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए बाकी सभी सेकुलर फोर्सेस को एक होना पड़ेगा और मजबूत विकल्प केवल केंद्र में बन सकती है तो कांग्रेस ही बन सकती है। बड़ा अच्छा पैगाम दिया है चौधरी असलम मियां ने। बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, कुल पहले शादी हाल में हम दिखा रहे हैं यहाँ का रोजा अवतार। इस पार्टी में कौन कौन लोग मौजूद हैं, ब्रह्मस्वरूप सागर मौजूद हैं, इसके अलावा अन्य कांग्रेसी भी मौजूद हैं, कई रोजेदारों से खातिब कराएंगे हम आपको। देखिए कुल पहले शादी हाल है और यहाँ पर तमाम रोजेदार मौजूद हैं, और देखिए बता रहे हैं 2-3 मिनट ही बचे हैं इस इफ्तार पार्टी को शुरू होने में। अजान होते ही रोजा अफ्तार कांग्रेस का शुरू हो जाएगा। जब पुराने शहर में कुल पहले शादी हाल के बेसमेंट में हो रहा है और हम मिलवा रहे हैं कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से, यहाँ पर मौजूद हैं, हम ले चलते हैं उनकी तरफ। ये देखिए कांग्रेस से जुड़े ब्रह्मस्वरूप सागर हैं, जो बहुत लंबे अरसे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे थे, जोनल कोऑर्डिनेटर रहे थे और बड़े दायित्व निभाए थे। मायावती जी तत्कालीन मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। ब्रह्मस्वरूप सागर जो कैमरे में जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह ब्रह्मस्वरूप सागर महानगर अध्यक्ष चौधरी असलम मियां और कांग्रेस के बड़े नाम प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी, जिनकी अपनी अलग पहचान है बरेली शहर में, हमारे कैमरे की नज़र में है। और कुछ ही देर में ये पार्टी शुरू होने वाली है। ये हैं बहुत सारे रोजेदार जो पुराने शहर से जुड़े हुए हैं और अभी कांग्रेस की बैठक में भी मौजूद रहे थे। पार्टी शुरू हो गई है बरेली से, देखिए हम सीधी कवरेज आप तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस संगठन के तरफ से प्रोग्राम है, जो 2019 का है उसमें केवल एक बात कहनी है, घर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई, रोशनी मर जाएगी, खाली धुआं रह जाएगी। केवल ये धुआं, इसलिए हमें बहुत जाग जाना है, हमें गली गली घर घर इस बात को फैला देना है कि जो हमें झूठे ख्वाब दिखा के, जो हमें भरमा के ये सत्ता हासिल कर गया, ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हर धर्म के प्रति एक सा भाव नहीं रखता, ये हिंदू मुस्लिम करता है और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। एक 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 शायर ने बहुत बढ़िया बात लिखी थी, बस एक ही सच सामने आया